हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 का लेसन नंबर 4 मैथ में, जो कि है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग वर्ड लिस्ट पर ऐड कर लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन है नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, देन द नंबर इज नॉन एज रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड, वैसा नंबर जो कि पी बाई क्यू को फॉर्म में रहे और जिसमें कि Q 0 के बराबर नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। अंडरस्टैंड, नोट कर लेना, आप लोगों ने राइट कर लिया। तो हम लोग जैसे कि हम क्या बात कर रहे थे कि रेशनल नंबर उसको कहते हैं जो कि वैसा नंबर जो कि P by Q के फॉर्म में हो और जिसका Q 0 के बराबर नहीं हो, उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे कि मान के चलो, अगर हम बोले कि क्या 2/8 ये क्या एक रेशनल नंबर है, इसका आंसर होगा यस, क्योंकि p by q एक p by q के फॉर्म में है और q 0 के बराबर नहीं है। अंडरस्टैंड, अगर हम बोले कि 2 क्या ये रेशनल नंबर है, अब तुम लोग सोचेगा कि नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये p by q के फॉर्म में नहीं है। लेकिन तुम लोग सब जानता होगा कि जब कोई नंबर सिंपली लिखा रहे उसके नीचे 1 का डिनोमिनेटर होता है। अंडरस्टैंड, इसका मतलब ये भी जो है वो एक रेशनल नंबर है। अंडरस्टैंड, ये समझ में आया रेशनल नंबर? अब देखो, रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। पॉजिटिव में आ जाओ 9/5, निगेटिव में आ जाओ -5/9, -6/8, 9/-5, यानी कि कोई एक अंक जो है वो माइनस में होना चाहिए, तब हम उसको निगेटिव रेशनल नंबर कहेंगे। पॉजिटिव रेशनल नंबर में दोनों के दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर दोनों के दोनों निगेटिव। अब बताओ इसमें किस तरह से पॉजिटिव बनेगा? देखो, क्योंकि निगेटिव निगेटिव आपस में कट जाएगा, यानी कि अगर दोनों के ऊपर में माइनस है तो समझ लो वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होगा। ये हुआ रेशनल नंबर का। अब आपको सबको पता होगा नंबर लाइन के बारे में, क्योंकि नंबर लाइन हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तब बात आता है कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करें, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से शो करें, यानी कि सेकंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में आपको पता होगा एक होता है मिड पॉइंट जो कि होता है जीरो ओरिजिन, एक तरफ होता है निगेटिव, एक तरफ होता है पॉजिटिव। अंडरस्टैंड, इसमें होता है -1, -2, इधर होता है 1, 1, 2। ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम बोले कि इसमें आप 1/3 को दर्शाओ, 1/3 को, तो मान के चलो इसके अंदर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है 3। ठीक है,
इस तरह से डिवाइडेड है, तो इसमें जो होगा वो होगा ये वाला अंक माइनस वन बाई थ्री, ठीक है, और इसमें ये वाला होगा वन बाई थ्री। आप पूछो किस तरह से, देखो इसमें तीन पॉइंट है, तीन में से एक पहला भाग, तीन में से पहला भाग, इसमें भी तीन पॉइंट है तो तीन में से पहला भाग, तीन में से पहला भाग, अंडरस्टैंड, तो ये हुआ उसका, समझ आया सबको। तो इस तरह से इसको नंबर लाइन पे शो किया, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आप लोगों को पता होगा बचपन से पढ़ने आ रहे हैं नंबर लाइंस के बारे में, किस तरह से इसको शो किया जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। स्टैंडर्ड फॉर्म, अब स्टैंडर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, अगर रेशनल नंबर a by rational number a by b is said to be in a standard form, a standard form if denominator b is a positive and the integers a and b are four primes, that is they have no common factor other than one. Understand? किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म तब कह सकते हैं जब उस रेशनल नंबर a by b के फॉर्म मतलब a by b में हो और जिसमें कि b जो हो वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं, b पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, और a और b दोनों के दोनों को प्राइम हो, यानी कि ऐसा नंबर a और b होना चाहिए जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ वन हो, वन सिर्फ एक नहीं मतलब कि एक ही कटे वाले वो कटे, जैसे क्या जाओ 3/5, ठीक है, ये भी वन का टेबल में आता है, ये भी वन का टेबल में आता है, और कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसको ये दोनों अंक जिसमें आ सके, ठीक है, तो ये को प्राइम है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, अंडरस्टैंड। अगर इसके बीच हम निगेटिव लगा दें तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, नो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि नीचे वाला बी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद आता है एक लास्ट टॉपिक हमारा, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू Absolute value. तो देखो absolute value का मतलब सिंपल सा है कि दोनों अंक जो होता है वो मॉड में, जैसे कि a है by b है, a by b है, ये हो गया इसको मॉड, ठीक है, अगर यहाँ माइनस a by b रहता और इसको इस तरह से लगा होता यानी कि वो बन जाता a by b, ठीक है, यानी माइनस पूरी तरह से पॉजिटिव में अगर जो अंक रहता है उसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू करते हैं, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलते तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है। अब उसके बाद इसमें आता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, फिर में आता है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सिक्स में आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, सेवेंथ में आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, एंड एट में आता है डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से हम लोग फ्रैक्शन वाला ऐड करते हैं, जैसे कि 1/5 है प्लस 1/5 है, इसको किस तरह से करेंगे, नीचे का एलसीएम निकालेंगे 5, फिर ऊपर इससे डिवाइड देंगे तो 5 5 5 1, मतलब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 1 = 2/5,
इस तरह से ये होता है एडिशन। उसी तरह सब्ट्रैक्शन, अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लगा दिया जाए तो 1/5 में से 1/5 क्या तो बच गया 0। मल्टीप्लाई लगा दिया जाए तो 1 × 1 = 1 और 5 × 5 = 25। डिवाइड लगा दिया जाए तो इसमें पलट जाएगा, ये 5 जाएगा ऊपर 1 जाएगा नीचे, यानी कि 5 जाएगा ऊपर 1 जाएगा नीचे, 5 से गया 5, 1 से गया 1, यानी कि आंसर 1। ठीक है, ये आपको पता होगा, आप लोग पढ़ने से ही पढ़ते आ रहे हैं एडिशन के बारे में, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, तो इसके साथ आप लोग का ये लेसन नंबर 4 भी समाप्त होता है यहाँ पे। तो आप लोग एक्सरसाइज बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स बनाइएगा, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का जो लेसन नंबर 5 है मैथ में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, वो क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स दोनों के दोनों सेम है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास 8 का ही चैप्टर नंबर 2 का एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का वीडियो देखिएगा, ठीक है, उसको मैं आपको रेफर करता हूँ, क्योंकि वो भी जो मतलब वो जो है उसमें जितना ही मटेरियल्स है वो क्लास 7 का ही है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो उसको पढ़ लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा, अंडरस्टैंड। तो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 मैथ में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के लिए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 देखना है मैथ में, अंडरस्टैंड। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।